प्रयागराज में आज से दो हफ्ते पहले 24 फरवरी को यही समय रहा होगा लगभग 5:45 बजे सुलेमसराय जीटी रोड पर दिन दहाड़े गोली बम मारकर उमेश पाल की हत्या कर दी गई। उमेश पाल के साथ ही उनकी सुरक्षा में लगे हुए दो सिपाही गनर दो थे, इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। यह 13 हत्याकांड था जो पूरे प्रयागराज को ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। और उस हत्याकांड की जब FIR दर्ज हुई उसमें जो मुलजिमों के नाम आए, वह मुलजिमों के नाम में सबसे पहला नाम जो आया वह आया यहाँ के शहर पश्चिमी के पूर्वांचल के सबसे बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद, अतीक अहमद के भाई, अतीक अहमद की पत्नी, अतीक अहमद के बेटों और अतीक अहमद के जो करीबी थे, कुल मिला के 9 लोगों को नामजद FIR इसी जो आप देख रहे हैं घूमनगंज थाने में पंजीकृत किया गया उमेश पाल की पत्नी जया पाल की तहरीर पर। जांच के क्रम में अगर आप देखते हैं सबसे पहले जो हम बात करना चाहते हैं, यहाँ जो आपको दिखाना चाहते हैं कि पुलिस जांच जब होती है तो कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं स्टेप बाई स्टेप जो काफ़ी दिलचस्प होती हैं और लोग जानना भी चाहते हैं कि आखिर जांच के क्रम में आगे क्या हुआ। आज हम बताना चाहते हैं कि आप सामने ये देख रहे हैं यह वही कार है उमेश पाल की जिससे वह सवार होकर अपने घर पर आए थे और जैसे ही कार से उतरे तो इसी कार पर हमलावर द्वारा गोली चलाई गई, बम चलाए गए और इसी पर उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिया गया। अब उसी के सामने ही जैसे घूमनगंज में कहते हैं कि इत्तेफाक होता है कि वह कार जो है इस आपने सामने मुकर के यह सामने जो CCTV फुटेज में दिख रहा था जो हमलावर की कार थी उसकी है कार है वह क्रेटा कार है जिसको बरामद पुलिस ने किया था। अब यहाँ जो हम आपको बताना चाहते हैं वो जो सबसे बड़ी बात है कि यह तो कार जो उमेश पाल की कार थी यह सामने थी, लोग देख रहे थे कि यह क्रेटा कार है वाइट कलर की है, लेकिन हूबहू उसी तरह की कार जो है हमलावर की थी, यह इतना तो लोगों ने CCTV फुटेज में देखा। लेकिन अब वो कार किसकी थी और कैसे पुलिस इस कार तक पहुंची इस बारे में अगर किसी को जानकारी नहीं तो इसके लिए हमने एक इन्वेस्टिगेशन किया, लोगों से बताया तो मुझे जो बात चली वह यह पता चली कि यह कार के बारे में पहला इनपुट्स जब पुलिस को मिला था वह मिला था 27 फरवरी को जब नेहरू पार्क में अरबाज नामक एक शूटर्स इनकाउंटर होता है पुलिस से और इनकाउंटर के दौरान उसको पुलिस वहीं ढेर कर देती है। उसके बाद तलाशी के बाद अरबाज जिसको बताया गया कि उसके पिता अफाक जो हैं अतीक अहमद के ड्राइवर थे, अरबाज भी वह गाड़ी चला रहा था जिससे हमलावर आए थे वह क्रेटा कार। और ये बात जो मैं आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ यह पुलिस को अरबाज की जेब से एक क्रेटा गाड़ी की RC मिली। अब जैसे आप देख सकते हैं कि आमतौर पर गाड़ी का नंबर जो होता है वो बकायदे फिक्स होता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह डबल साइडर टेप लगा हुआ है। डबल साइडर टेप ये बताता है कि इस नंबर प्लेट को हम अपने आवश्यकता अनुसार जब चाहें दूसरे नंबर प्लेट से चेंज कर सकते हैं। अब इसका खुलासा कैसे हुआ इस बात को हम आगे बता रहे हैं। ये जो अरबाज का इनकाउंटर हुआ तलाशी के दौरान उसके पास से गाड़ी में उसके पास से RC मिली, RC और गाड़ी का इंश्योरेंस, वो RC का नंबर इस गाड़ी का नंबर था जिसको हम बताना चाहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं तो अगर रियल में ये गाड़ी रोड पे होती और इसके कागज सही होते और इसके वर्चुअल में नंबर प्लेट लगी होती तो वो नंबर प्लेट क्या होती आज हम आपको उस बात का खुलासा कर रहे हैं। तो पुलिस के हाथ में जो लगी वो नंबर प्लेट जो RC लगी वो थी UP70ES9006। यहाँ एक बार फिर से हम बता देते हैं UP70ES9006 ये गाड़ी का नंबर होगा। ये गाड़ी अभी पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो यह विस्तार के नाम से है जो निवासी करेली है और उसका कार जो मूल के मालिक थे वो नफीस अहमद हुए हैं। नफीस अहमद को भी रडार पर लिया गया है, पूछताछ की गई है, वह इंटान के मालिक हैं और धीरे धीरे उन्होंने कुछ ही सालों में करोड़ों रुपए इकट्ठे किए हैं, उनके ऊपर भी शक्के दायरे हैं, इन्वेस्टिगेशन के पार्ट हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि ये क्रेटा गाड़ी का जो नंबर था वो भी था 70ES9006। इस गाड़ी का कुछ और भी जो क्लू थे वो दूसरी बात अगर हम करते हैं तो अगर आप देखें ये हमलावर की गाड़ी है और दूसरे अपोजिट में आप देखते हैं तो जो मृतक थे उमेश पाल वो उनकी गाड़ी है। दोनों गाड़ियों में
कलर भी सेम है, साथ में पीछा होता है। और ये बताया गया कि इस गाड़ी का सेम गाड़ी से पीछा जो किया गया वो कचहरी से लगातार किया गया। तो दूसरा चीज़ ये भी है कि उमेश पाल के साथ बहुत से अन्य गाड़ी पे भी उनके सर्वरक्षा में लोग चलते थे, और कुछ ऐसे भी थे कि ड्राइवर को गफलत में देने के लिए, लोगों को गफलत में देने में कि ये गाड़ी आगे पीछे रहेगी तो कोई शक नहीं करेगा कि एक जैसी गाड़ियाँ हैं, तो हो सकता है कि वो गाड़ी उमेश पाल के काफिले की गाड़ी हो। तो लोगों की आंखों में धूल झोंकना, लोगों को गफलत में डालने का भी यह उद्देश्य रहा। और आपको जो सबसे बड़ी बात बताया कि आखिर ये क्रेटा गाड़ी आज धूमनगंज में जांच के बाद हमलावर की यह गाड़ी, इसकी फोरेंसिक हो चुकी है, इसके टायरों की जांच हो चुकी है, हर चीज़ को इस पे दावी हो चुका है कि इसकी गाड़ी का मूवमेंट का था। हालांकि पुलिस ने यह बताया था कि यह गाड़ी भी चटिया क्षेत्र में मिली थी, घर के बाहर वहाँ से इसको काम चलाया गया था, और यह लाख के बाद इस पर फोरेंसिक जाँच हुई है। अब यह धूमनगंज थाने में माल बरामदगी की तरह, मुकदमे की तरह, जैसे आप देख सकते हैं कि दोनों में लिखा हुआ है, आप साफ साफ देख सकते हैं कि यह अपराध संख्या 114/2023 की GD नंबर 55 दिनांक 1/3/2023 को यहां पर जब्त की गई है। अब यह आगे न्यायिक प्रक्रिया में है। प्रयागराज से यह ग्राउंड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट संजीव कुमार के साथ मैं शुभूषण सिंह NDT ऑनलाइन के लिए। धन्यवाद।